हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विकास गुप्ता। दोस्तों, अज हेयर ट्रांसप्लांट का थर्ड डे है साडे क्लाइंट का मिस्टर अमनदीप सिंह। और असी पहले जिस तरह सिर ते ऑयल लगाईदा, सिंपल ऑयल, पहले शैम्पू, जॉनसनस बेबी शैम्पू या कोई भी माइल्ड शैम्पू जिहड़े तुहाडे डॉक्टर रिकमेंड करन, उहनू एक बारी सिर ते तकरीबन 4 to 5 ml और गुनगुना पानी, रूटीन वाटर जिहदे नाल सिर धो सकदे, जिहड़ा तुहानू ना गर्म लगे ना ठंडा, वो इस्तेमाल करना। इट शुड नॉट बी दैट हॉट के तुहाडी स्किन जल जाए, इट शुड नॉट बी दैट कोल्ड के तुसी अनकंफर्टेबल हो। तुसी देखो जिस तरह ये रोटेटरी मूवमेंट्स के नाल हौली हौली अपना हाथ सिर दे उत्ते घुमा रहे हैं और शैम्पू नूं स्प्रैड कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा जा ही पानी लगाया, आइडिया ये है कि एक दफ़ा एक थिन फिल्म ऑफ शैम्पू बन जाए। इस तरह तुसी बैक साइड पर जेंटली, क्योंकि अज थर्ड डे है, असी कोई ज़्यादा स्क्रैचिंग नहीं करांगे, जेंटली असी स्क्रब कर रहे हैं। हुण एक दफ़ा असी एक फिल्म तैयार, फिल्म की तरह इन्हों विछा दिता है सारे शैम्पू नूं, और ये बाद असी समझते हैं साडे क्लाइंट नूं 1 या 1.5 मिनट वेट करनी चाहिए है फॉर शैम्पू टू एक्ट। हुण थोड़ा जिहा असी पानी पावांगे ते जेंटली असी इत्थे लाइट शावर यूज़ कर रहे हैं जी, और क्योंकि ये गाइडेड है, एक आदमी कर रहा है और दूसरा करवा रहा। मेरी तुहानूं एक रिक्वेस्ट है, तुसी इहदी जगह यूज़ मग और मग्गे का इस्तेमाल ही करना है। सिर के उत्ते जिस तरह बाल्टी के मग्गे नाल असी आम नहाते हैं, उस तरह इस शैम्पू नूं आपां यूज़ करना है। अगर शावर तेज़ धार नाल होएगा तो कई दफ़ा हेयर का डैमेज हो सकता है, जिहड़ा स्पैशली ट्रांसप्लांटेड एरिया। सो एक प्रोसीजर सीगा जिहदे नाल असी शैम्पू कर दिता। हुण अगला मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैप है टावल किस तरह यूज़ करना। तुसी ध्यान नाल देखो, मैं सिर्फ प्रेस कर रहा टावल दे विच, कैपिलरी एक्शन दे नाल सारा पानी एबजॉर्ब हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, असी उन्हूं अगर रगड़ांगे तो बाल निकल सकता है। 3-4 दिन एहतियात जरूर रखो, उहदे बाद अगर किते गलती नाल रगड़ लग भी जाए तो ये नहीं सोचना कि वालों का नुकसान हो जाएगा।